हेलो दोस्तों, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर का, जो हमारे 11th क्लास का थर्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम एक बीकर का वॉल्यूम निकालेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो सबसे पहले हम इसमें बीकर का डायमीटर निकालेंगे, फिर इसमें हम बीकर का डेप्थ निकालेंगे, और बाद में डायमीटर और डेप्थ की मदद से वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके बीकर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखते हैं कि हम बीकर का डायमीटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये रहा हमारा बीकर। इसके जो इंटरनल जॉज हैं, इसको इस तरह से बीकर के अंदर फंसा कर फिर निकाल लेंगे इसको, और अब इसकी रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए वही तरीका है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस मार्क के सामने आ रहा है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई। तो इसमें हमें दिख रही है 6। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग, वर्नियर स्केल की जो लाइन मेन स्केल की लाइन के सीध में आ रही है वो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग हमें दिख रहा है। पांचवी लाइन मेन स्केल की लाइन के सीध में आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग हो गया 5। उसके बाद लीस्ट काउंट जो हम जानते हैं 0.01 सेंटीमीटर है। इन तीनों वैल्यूज़ को डायमीटर में फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डायमीटर एक डायमीटर आ जाएगा। दूसरा डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको जो बीकर को हमने पहले लिया था जिस जगह पे, थोड़ा सा इसको रोटेट करके अलग जगह पर इन दोनों इंटरनल जॉज को फंसाएंगे, और फंसाने के बाद फिर इसको निकाल लेंगे। फिर से इसका वही मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का जीरो जिसके सामने आ रहा है, अगेन 6। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग, इस बार नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग चेंज हुआ है, जो कि हमें लग रहा है कि ये 4 है नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग। लीस्ट काउंट वही है 0.01। तीनों वैल्यूज को डायमीटर के फॉर्मूले पुट करेंगे, डायमीटर निकालेंगे, दो डायमीटर निकालेंगे, बाद तीसरा डायमीटर फिर निकालेंगे। बीकर को थोड़ा सा रोटेट करके फिर से इंटरनल जॉज को फंसा के, और इसका हम तीसरा डायमीटर निकालेंगे। तीनों डायमीटर निकालने के बाद तीनों डायमीटर का मीन निकालेंगे। जो मीन डायमीटर आएगा वो हमारे इस बीकर का फाइनल डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसकी डेप्थ निकालते हैं। डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्नियर कैलिपर की स्ट्रिप है इसको बीकर की जो डेप्थ है उसके बराबर तक इसे खोल देते हैं। जब ये बॉटम पे टच कर जाएगी स्ट्रिप, तो इसकी रीडिंग फिर से ले लेते हैं। रीडिंग लेने का वही तरीका है। तो ये हमारा मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस मार्क के सामने आ रहा है मेन स्केल रीडिंग हो गई। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग, मुझे लग रहा है इसमें नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग हमारा 3 है, और लीस्ट काउंट वही 0.01। तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे, और इस पर डेप्थ का फॉर्मूला भी वही बनेगा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब फिर से इसका डेप्थ दोबारा से निकालते हैं। स्ट्रिप को फिर से वही खोल के इसी बीकर को थोड़ा सा रोटेट करके किसी और पोजीशन पे रखते हैं, और जब तक स्ट्रिप को खोलेंगे जब तक ये बॉटम से टच न कर दे। टच करने के बाद जब टच कर जाएगी फिर से इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए वही सेम मेन स्केल रीडिंग लेनी है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिसके सामने आ रहा है सेम वही है 9.9, और नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग मुझे लग रहा है नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग में 3 है इस बार भी, और लीस्ट काउंट वही 0.01। और तीनों वैल्यूज़ को फिर से फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फिर से तीसरा डेप्थ निकाल कर अलग पोजीशन पे, बीकर को रोटेट करके अलग पोजीशन पे फिर से हम तीसरा डेप्थ निकालेंगे, और तीनों डेप्थ निकाल कर तीनों डेप्थ का मीन निकाल लेंगे, और जो मीन डेप्थ आएगा वो हमारे बीकर का फाइनल डेप्थ हो जाएगा। और इस तरह से हमने इस बीकर का डायमीटर निकाल लिया, डेप्थ निकाल लिया, और डायमीटर और डेप्थ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, बिकॉज ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो कि रेडियस है, जो कि डायमीटर का आधा करके निकाल लेंगे, एच जो कि डेप्थ है,
जो कि हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से डेप्थ निकाला, और रेडियस और डेप्थ की वैल्यू को पुट करके फॉर्मूले से हमें वॉल्यूम इस बीकर का मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 11th क्लास का अपना ये थर्ड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया जिसमें हमने इस बीकर का वॉल्यूम निकाला। ठीक है, अब हम नई वीडियो में मिलेंगे नए एक्सपेरिमेंट के साथ।